हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ तेजस 111. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले हफ्ते की, यानी कि 29 से 4th ऑफ सितंबर, और बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता. आज की जो रीडिंग है ये मैं कर रही हूँ लीब्रा की, यानी कि तुला राशि वालों की, और देखने की कोशिश करूँगी क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स देना चाहती है. रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं. जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. लीब्रा, क्या एनर्जी है आपके लिए इस आने वाले हफ्ते में? टू ऑफ सोर्ड्स, किसी डिसीजन को लेकर अगर कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है, कहीं ना कहीं आप द्वंद पे हैं, तो यूनिवर्स सबसे पहला मैसेज आपको इस आने वाले हफ्ते के लिए ये दे रही है कि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है आपको किसी पर्सन पर. तो इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए सबसे पहले आपको उस काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उस काम में शामिल होना पड़ेगा. दूसरों पर डिपेंड होने से कोई फ़ायदा नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर, हो सकता है आपके वर्क और करियर या फिर पर्सनल लाइफ में, आप दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ये काम वही कर सकते हैं, ये काम वो अच्छा करते, या फिर अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो हो सकता है यही वो पर्सन है जो मुझे मदद कर सकते हैं. तो यूनिवर्स आपसे इतना कहना चाहती है कि डिपेंडेंसी जो है इस हफ्ते थोड़ा कम कीजिए, वरना आपके लिए कुछ ट्रबल हो सकती है. मुझे एक कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी पर आंख मूंद कर ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे आपका लव लाइफ है, चाहे पर्सनल फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, तो यूनिवर्स कह रही है कि इट्स टाइम टू ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलिए और चीज़ों को प्रैक्टिकली देखिए. हो सकता है जो आप देख रहे हैं या फिर भरोसा कर रहे हैं वो रियलिटी ना हो, तो रियलिटी चेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. स्टार, हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ जुड़े हैं, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एक्वेरियस हो सकते हैं. आपकी विश कहीं ना कहीं जो है, जो आप यूनिवर्स से बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ शो के लिए फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है. यूनिवर्स आपसे स्टार के कार्ड से मुझे एक और मैसेज ये दे रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सरेंडर कीजिए डिवाइन को. अगर आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करेंगे तो आपका काम और ईजी होता जाएगा. ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा. तो सबसे पहला मैसेज तो यही था कि आप किसी पर आँख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, भरोसा करने से चीज़ें कहीं ना कहीं बिखर जाएंगी. और ये बात भी आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आ नहीं रहे या फिर वो काम नहीं बन रहा है, तो उसको सरेंडर कीजिए सच्चे मन से, विश्वास रखिए वो काम ज़रूर होगा आपके लिए. डेविल, कुछ कार्मिक इशू हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ज़्यादा कार्मिक है, कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, वो एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं. तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि किसी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी अच्छी बात नहीं है. तो कुछ लोगों के लिए मुझे डेविल का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जिसके प्रति, जिस पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर इंटेंसिटी फील कर रहे हो, तो एक बार चेक कर ले कि क्या आप सही डायरेक्शन में हो, क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हो. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वर्क और करियर में ये भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ कार्मिक रिवॉर्ड्स आपको मिले. तो अगर आपने पास्ट में काम अच्छे किए हैं तो आपको कार्मिक रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे, और अगर किसी काम में आप भूल चुक हुई है तो उसे रेक्टिफाई कीजिए, वरना इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है. डेथ, वाओ, तो ये बहुत बड़ा कार्ड है आपके लिए. तो मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी, जैसे कि मैंने इस कार्ड को देखकर बोला था, अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक थी, तो काफ़ी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रहा है लीब्रा ये वीक.
तो अगर आप बहुत लंबे समय से किसी प्रॉब्लम पर स्टक हो या फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी यही दुआ मांग रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें यू नो समय से आगे बढ़े, या फिर चीज़ों में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है स्टक हो चुकी हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के होने के बाद ही आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स जो है बाहर आ सकते हैं। आपके लिए अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो यस, कोई पर्सन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हो ऑनलाइन, हो सकता है आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन भी बहुत साइट्स होती हैं, हो सकता है आप वहाँ पे किसी को पसंद करते हो, सोशल मीडिया साइट में हो सकता है आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जान पाएंगे या फिर आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से इंटरेक्ट करने वाले हो, इनसे बात करने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलने वाला है इस पर्सन से। तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े कार्ड आए हैं, मेजर आर्काना से, यहाँ से डेविल आया है, स्टार आया है, डेथ, तो बहुत पावरफुल वीक है आपके लिए। थोड़ा संभल के चलने से चीज़ें आपकी बन जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से ये चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, तो सरेंडर करने से आपके जो काम हैं वो डेफिनेटली बन जाएंगे। तो इसको लेकर आप ज़्यादा मत सोचिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। इस बात पर अगर आप भरोसा रखेंगे आपके काम को बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स सी एंजल्स क्या ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं। लिब्रा, रोमांस एंड कनेक्शन, मैंने डेविल को देखकर ही बोला था, किसी पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, तो यस, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे और इंटेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर किसी को पसंद करते हो तो उस पर्सन के साथ आपकी बात हो सकती है, कनेक्शन जुड़ सकता है। अगर आप किसी के हाँ का इंतज़ार कर रहे हो तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिख रहा है। देखिए, मैं सरेंडर कर रही थी और यूनिवर्स ने सरेंडर का ही कार्ड भेज दिया है, हाउ पॉजिटिव। तो यूनिवर्स भी यही कह रही है, जैसे कि मैंने स्टार को देखकर भी बोला था कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सरेंडर कर दीजिए, सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली जो है मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी टू द वर्क। तो यूनिवर्स ये भी आपसे कह रही है, मैंने टू ऑफ सोर्स को देखकर ही बोला था कि आपके जो कर्म हैं, आपका जो काम है, वो दूसरों पर डिपेंड करने से पहले खुद भी कीजिए, खुद पर भी भरोसा कीजिए। दूसरों पर इतना ज़्यादा डिपेंड मत हो जाइए कि आपके काम में ट्रबल हो। तो अगर आप अपने काम को फुलफिल करना चाहते हैं तो यूनिवर्स इतना ही कह रही है कि आप अपने हिस्से का काम कीजिए, दूसरों पर ज़्यादा को डिपेंडेंसी मत कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो सरेंडर कर दीजिए। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।